मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर गंगा गंगा में ही रहती है, मतलब कहाँ से और निकलती है। मतलब आपको दिखा दें गंगा जी जो है और भी जगह से निकलती हैं। आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं वहीं पर। और इतनी ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि आप माने तो गंगा जी यहीं से मान लीजिए निकल के जा रही हैं जैसे। तो सीधा हम आपको दिखाएंगे, यहाँ तो एक डेमो है, अभी हम आपको लेकर चलते हैं आगे, इसको हम तनक के उस पार जाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। गाड़ी अपनी हमने यहाँ पर हमने खड़ी कर दी है पीछे, तो अभी हम उस पार चलेंगे और वहाँ पर आपको सीधा लेकर चलेंगे। जो वहाँ पर एक जो है पुल दिख रहा है, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पानी का उफान भरा हुआ है और किस तरह से पानी बह रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। चलते हैं आपको सीधा वहीं पर। हम अभी आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ से पानी हर तरफ मोड़ा जाता है, मतलब पानी का दरवाज़ा कहाँ पर है, ये सारा चीज़ जिस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। की घड़ी हुई खत्म, क्योंकि हम आपको लेकर सीधा वहीं पर पहुंच चुके हैं जहां पर पानी का उफान निकलता है, मतलब जहां से पानी ट्रांसफर किया जाता है। तो सीधा वहीं पर पहुंच चुके हैं और भैया कुछ लोग यहां पर खड़े भी हैं, तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। और हमें लग रहा है कि पानी यहाँ तो सूख चुका है, पानी हो चुका है कम, तो यहाँ पर कुछ मज़ा आएगा अभी कम। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी जो है पानी वानी जो है कम हो चुका है और मज़ा बहुत आने वाला था वैसे तो, अभी क्या कर सकते हैं वो तो वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। और मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ से पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब मोड़ा जाता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब पानी भरता है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ तक पानी चला जाता है, वहाँ तक, और उसके बाद में ये पानी वहाँ तक लगता है उसके बाद। तो भाई साहब, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है कि आप देख के मतलब दंग रह जाएंगे। और इसके नीचे का मैं कुछ सीन आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी अभी भी भरा हुआ है यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हैं कि जैसे पानी भरने की वजह से बहुत से किसानों की फसल जो अभी बर्बाद हो चुकी है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि अब बह चुकी है पानी में। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या रहती है कि नहर के किनारों वालों की, कि फसलें बह जाती है, तो भाई ये ज़्यादा जो है दिक्कत वाली बातें हैं। और पानी की जब ज़रूरत होती है तब तो पानी रहता नहीं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रहती है तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो गाइस यार, हम क्या क्या आपको बताएं, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोग देख सकें। तो आपको मैंने वो चीज़ दिखाया नहीं अभी तक जो जो है ट्रांसपोर्ट करता, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है थोड़ा जो है पानी को इधर उधर भेजने के काम करता है, तो उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को यार वॉच कीजिए और आपको मैं सीधा अब दिखाने ही वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहे। तो गाइस देख सकते हैं कि यह है तवा, मतलब यहाँ से आवाज़ भी देखिए जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब वहाँ से आवाज़ इको कर रही है। तो गाइस ये है तवा, हम अपने यहाँ भाषा में इसको तवा बोलते हैं, मतलब पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने वाला ये तवा है। अगर पानी वहाँ तक अगर फुल हो जाता है, वो आप देख रहे हैं सरिया लोहे का मुड़ी हुई जो लग रही है, यहाँ लग रही है, इसको इसके बराबर अगर पानी हो जाए उसके बाद जो है इस तवा से मोड़ा जाता है। अभी देख रहे हैं मिनिमम थोड़ा खोल रखा है तवे का, जो है पानी जाने का रास्ता थोड़ा खोल रखा है ताकि जो है थोड़ा पानी उस तरफ जाए, और पानी जहाँ फुल भर जाता है तब भी उस तरफ थोड़ा, बहुत ही मतलब बहुत मोटे चादर से बना होता है, पानी की कोई भी लहर इसको तोड़ नहीं सकती और कोई भी मोड़ नहीं सकती है, इसलिए इसको बहुत मजबूती से बनाया जाता है और पानी को जो है बहाव को देख करके इसीलिए इसको इतना मजबूत तैयार किया जाता है। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं छोटा तवा, मतलब बड़े तवा तो आपने देख ही लिया कि ये बड़ा तवा है और इससे बड़ी मतलब सीधे नहर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि पानी को ज़्यादा से कम करने के लिए। और हम आपको दिखाएंगे अब एक नहर से दूसरे नहर में पानी को भेजने के लिए क्या किया जाता है, मतलब ये जो है ये नहर में सीधा स्ट्रेट पानी ले जाने के लिए ही ये तवा लगाया जाता है, इसको बड़ा तवा बोलते हैं। और अभी हम छोटा तवा आपको दिखाएंगे जो पानी को दूसरी नहर में मोड़ता है। तो चलिए वीडियो को जो है देखते रहिए और आपको हम सीधा लेकर चलते हैं गाइस इस तरफ। तो गाइस देख सकते हैं ये है छोटा तवा, पानी को इस तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है इस वाले नहर में। इस वाली नहर में पानी ट्रांसफ़र करने का एक तात्पर्य ये है कि इस नहर में जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए और जाने पर उस तरफ जाने में थोड़ा जो है
जाने में कह सकते हैं कि थोड़ा कम पानी जाए, क्योंकि आगे जाकर वो पानी थोड़ा और कम कम होते होते कम हो जाए, ताकि किसानों को जो है नुकसान ज़्यादा ना झेलना पड़े। इसलिए सरकार ने इसकी पाबंद भी कई जगह से कर रखी है, कई जगह जो है इसके शाखे भी बना रखे हैं, कई नहर बना रखी है, इसलिए पानी ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यार इतनी कड़ी धूप में मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आई एम सॉरी, बट धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए जो है थोड़ा इधर उधर हो जाती है। ये है छोटा तावा, इसको हम छोटा तावा बोलते हैं, और ये लगा हुआ है इसमें चूड़ी। गाइस यहाँ से हम पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ ये कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ये इलीगल है। अगर कोई आम जनता इसको खोलती है तो ये इलीगल है, इस पर केस भी हो सकता है। तो कृपया करके इसको अपने आप ना खोलें, इसको जो है विभागीय कार्यकर्ता इसको खोलते हैं, पानी को कम ज़्यादा करने की वही कोशिश करते हैं, और कोई इसमें हस्तक्षेप ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि ये कहते नहीं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब अगर आप इस तावे को थोड़ा ढीला अगर कर सकते हैं कर देते हैं सॉरी, तो ये सामने जो गांव दिख रहा है फ्रेंड्स, इस गांव में पानी ज़्यादा जाने का दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इस तवा पे कोई आम जनता इसको हाथ ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और किसानों के लिए भी बेहतर रहेगा। तो गाइस अभी इस वीडियो को हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर से शूट कर रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा। हम आगे का सीन भी थोड़ा बहुत आपको दिखा दें, इस तरफ वाला सीन दिखा दें, चलिए उस तरफ कोशिश करते हैं। वैसे तो शरीर हैवी है, इसके अंदर जाने लायक नहीं, क्योंकि ये लगभग आधा फीट मान सकते हैं, हो सकता है, तो इस तरफ से जा नहीं सकते, लेकिन आपको मैं जाने उधर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, मैं उधर से सीन आपको दिखा रहा हूँ तवे का, और इसी से मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी दे दिया हूँ। तो आप जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग इसकी गहराई 15 फीट होगी, इसकी गहराई ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इसकी लगभग 15 फीट होगी समथिंग। तो पानी जब यहाँ तक भर जाता है, मतलब लगभग 8 फीट पानी जब भर जाता है, उसके बाद इसको खोला जाता है, 2 फीट 1 फीट लगभग खोला जाता है, कि पानी ज़्यादा ना जा सके। और वैसे भी ये बड़ी नहर है तो अपने आप में एक विशाल हो जाती है, और इस तरफ से बहते हुए सीधा स्ट्रेट लेकर पानी चली जाती है, सीधा चली जाती है, और इसलिए वहाँ पर भी तावा लगा रखा गया है कि पानी को कम ज़्यादा किया जा सके। और उसके बाद में फिर जगह जगह देख सकते हैं कि नहर बनी है, छोटी बड़ी नहर बनी है, ताकि पानी इधर से उधर जा सके। तो और ये पानी भर जाता है, तो विभागीय आदमी आकर के और इसको देख रेख करें, और यार इसको सुधार करें, आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये एक चालू मार्ग भी है, लगभग सभी लोग आते जाते रहते हैं, हाँ, तो इस पर आने जाने, अभी दादी जो है इसमें फंस चुकी थी, तो ऊपर वाले की मतलब दुआ है कि मैं आ गया, तो अभी बहुत देर से मैं देखा वह गौर कर रात के बैठी हुई थी, तो मैंने दादी जी अपने आप खुदाई बोली कि भैया देखिए इस बार निकल सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं देखता हूँ। लेकिन ये कब तक ऐसा होता रहेगा, तो सरकार के मुझे अधिकारियों से अपील है कि वो आकर के और हर नहर की, यही नहीं हर जगह नहर की देखरेख करें और उनमें सुधार करें। तो तब तक के लिए जय हिंद।